अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इक्विलिब्रियम को रिलेटेड। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पहला तो मिलेगी मीडियम वाला, मीडियम के सारे प्रोफाइल हम लोग कर ही चुके हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज को लेकर के करेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, कई बार जी मेंस वगैरह नीट वगैरह में आ चुका है, यहाँ पर याद करना मुश्किल है। कई बार तो बच्चे डायरेक्ट ही रिजल्ट याद करके चले जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बुक में पीछे देखेंगे अगर आप न्यूटन की बुक में कॉम्पिटेटिव कॉर्नर में, तो इस तरीके के क्वेश्चन रहता है, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करेंगे क्या है। तो मान लीजिए आपके पास सपोज आपने दो चार्जेस को रख दिया, दो चार्जेस को ले लिया और उनके बीच में एक थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, जिसकी डिस्टेंस दोनों चार्जेस से कितनी है ए, दोनों चार्जेस से कैपिटल क्यू की डिस्टेंस कितनी है ए, कैपिटल क्यू की डिस्टेंस इस वाले चार्ज से भी ए है और इस चार्ज से भी कितनी है ए। नाउ सपोज ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, इसको हमने एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ द बी, तो इस साइड जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो कौन सा फोर्स लगेगा एफ ए, और इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, ये एफ ए हो जाएगा, और ये यहाँ पर बी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये जो ए फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में करेगा, उस डायरेक्शन में। तो अगर हमने थोड़ा सा कैपिटल क्यू को डिस्प्लेस कर दिया इसकी मीन पोजिशन से, तो हमारा एफ बी इक्वल टू एफ ए हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल हो जाएगा, तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए, और ये जो चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। तो कुछ बातें हैं नोट करती है, तो नोट है कि चार्ज भी परफॉर्म है, तो उसके लिए पहले आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो आप देखेंगे रेस्ट होना चाहिए, कंडीशन देनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम पूरा, क्वेश्चन भी गिवन रहेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन में पूछा जाएगा टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो आप समझ जाएंगे कि वो रेस्ट पे ही है पहले। फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे डिस्प्लेस कर देंगे, मान लो एक्स सेंटीमीटर में क्या किया, एक्स डिस्टेंस क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या होगा, जब ऐसे ही डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेटरी या एफएचएम परफॉर्म करेगा ऑसिलेटरी मोशन, तो ऐसे जब परफॉर्म करेगा तो इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड हमको निकालना पड़ेगा, और चार ऑप्शन दे रहे हैं उनमें से एक को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मान लो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले निकालेंगे एफ ऑन बी वन अपॉन, सॉरी क्यों लिखे इतना बड़ा, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फोर्स ऑन बी, ऑफ सॉरी बी की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस फोर्स ड्यू टू ए, वो क्या आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो एफ नेट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, के क्यू इंटू क्यू आप सॉल्व कर लेना, फोर ए एक्स अपॉन, अच्छा ऑसिलेटरी मोशन होगा तो हमें एक चीज को चेक करना पड़ेगा, लास्ट में कंडीशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जैसे कि हम लोगों ने उसमें किया स्प्रिंग में एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, सॉरी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता था, फिर एफ इक्वल टू के एक्स कर देते थे, फिर हम लोग वो करते थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा फोर ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर जो एफ नेट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के फोर के क्यू क्यू फोर के क्यू क्यू, और ये क्या हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर इंटू ए, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हम करते हैं, मान लीजिए एक्स बहुत स्मॉल है ए से, तो हमारी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए की पावर फोर, और यहाँ पर एक ए है ही, और यहां पर क्या हो जाएगा अपना x, क्या हो जाएगा x, a से एक पावर कट जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर के क्यू इंटू क्यू
अपॉन ए क्यूब, और ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स। अब इसको कंपेयर कर दो, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा के एक्स। अब के की वैल्यू क्या है हमारी, ये इस के की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, के की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी। के की वैल्यू को निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगा, के की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट एम, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब एम अपॉन 4 के q into q। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो क्या 1 अपॉन 2 पाई 4 के q into q अपॉन a³m। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता है चीज है, तो कहीं पर अगर स्क्वायर वगैरह कहीं मिस्टेक है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी करने का अप्रोच जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी होता है लेकिन क्योंकि बोर्ड लेवल में तो होता नहीं है, इट इज नॉट फॉर द बोर्ड, फॉर केवल ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, तो एकदम से बच्चे जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो लगता पता नहीं क्या आ गया, जबकि होता बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। टू बॉल प्रॉब्लम, टू बॉल प्रॉब्लम में क्या होता है, हम लोग दो बॉल ले लेते हैं, उन बॉलों में क्या होता है कुछ चार्ज होता है, तो कई बार कठिन क्वेश्चन आता है तो लीकेज ऑफ द चार्ज से क्वेश्चन पूछता है, और कई बार इजी क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेईई मेंस में आता है 2010 में, तभी ये ट्रिपल ई होता था और इंडियन एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, देखते पहले। तो मान लीजिए कोई बॉल है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया इसको, इस बॉल को क्या है सस्पेंड किया, तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है एम जी, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है टी, टी क्या है टेंशन इन द स्ट्रिंग और नीचे क्या है एम जी, तो जो टेंशन और एम जी इक्विलिब्रियम पोजिशन में क्या होगा इक्वल होगा। अब मान लो हमने क्या किया इसको बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इसको हमने क्या किया डिस्प्लेस कर दिया, कितने एंगल से थीटा, हमने क्या किया थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, तो जब ये बॉल यहाँ आ गई तो नीचे क्या लगा एम जी, एम जी को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हम लोग में पढ़ रखा है सारे बच्चे जो जानते हैं 11th में भी पढ़ रखा है सबको पता, तो ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट टूट जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है एम जी, और टी साइन थीटा क्या है मूवमेंट कराएगा, जो जो टी साइन थीटा है क्या है वो डिस्प्लेसमेंट कराएगा, साइड को मूवमेंट कराता रहेगा, ठीक। खैर उस समय कुछ ज्यादा नहीं, हम लोग को देखना है टी क्या है रिजल्टेंट, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग अगर देखें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक बॉल और सस्पेंड कर दें, जो कि हमारा जो बेसिक एम है आज के प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कि अगर हमने यहाँ पे एक और बॉल सस्पेंड कर दी, एक बॉल यहाँ है जिस पे चार्ज क्यू, एक बॉल यहाँ है जिस पे चार्ज क्यू है, तो क्या हो गया बॉल को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बॉल को यहाँ पे डिस्प्लेस किया, तो टेंशन जो रिजल्टेंट टी की वैल्यू है वो क्या होगी टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा का होल स्क्वायर, रिजल्टेंट हमें पता ही कंपोनेंट वाला, मान लो ये हमारा ये वाला कंपोनेंट, ये मान लो F1 है और ये क्या है F2 और ये क्या हो गया R, तो R की वैल्यू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा होता, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, खत्म का। अब ये F ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या हो जाएगा Q² अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस R², मतलब अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर R है तो क्या हो जाएगा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी K³² अपॉन R² खैर उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, और एम जी का स्क्वायर, अच्छा टेन थीटा फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टी कॉस थीटा अपॉन टी साइन थीटा, जो भी क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अपना ये सॉरी टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बेस, तो क्या हो जाएगा एफ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम जी, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा टोटल एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो अगर हम इसको यूनिवर्स में ले जाएं तो वहां पर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि कोई ग्रेविटी होती ही नहीं है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार छोटे मोटे एग्जामों में, कि अगर व्हाट विल हैपन अगर हम इसको लेके चले जाएं यूनिवर्स में टू बॉल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को, तो यूनिवर्स में क्या हो जाएगा एंगल कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, क्योंकि ये 90 कुछ होते ही नहीं सीधे, ये हमारा यहाँ से 90 और यहाँ से 90 सीधे 180 डिग्री हो जाए, चलो खैर वो यूनिवर्स अभी ले दी जा रहे हैं, ठीक है। अब व्हेन होल सेटअप इज ब्रॉट अप इनटू द लिक्विड, अगर हम क्या करें इसी इसको ये कहाँ पे है एयर, ये कहाँ पे है एयर,
अगर हम इसी एयर वाले सेटअप को ले जाकर के किसी लिक्विड वाले कंटेनर में रख दें, पूरा पूरा लिक्विड है, तो बिल्कुल हमने कंपोनेंट ड्रॉ नहीं किया, आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही है, एफ सी यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ पर टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा अपना टी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, एंगल थीटा, एंगल थीटा, तो टेन थीटा डैश की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एफ ई मीडियम अपॉन एम जी मीडियम, मीडियम क्या है जिस मीडियम जिस लिक्विड में हमने प्लेस किया, यहाँ पर क्या था एफ ई एयर अपॉन एम जी एयर, अब हमें पता है एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ एल एन आर, पढ़ा है हमने प्रीवियस लेक्चर में, पता है फोर्स ऑन ए मीडियम इक्वल टू द फोर्स ऑन ए एयर अपॉन एफ एल एन आर। अब हमें ये पता है अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह उसमें पढ़े, अगर मीडियम और उसमें डेंसिटी का क्या रिलेशन है, अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको तो आप इसको लर्न कर लें, ये रिलेशन रिलेशन ये है कि ग्रेविटी ऑफ द मीडियम इक्वल टू द ग्रेविटी ऑफ एयर 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, और जो जो सिग्मा है सिग्मा रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड डेंसिटी ऑफ द मीडियम ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, और रो क्या रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, प्लेस कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो हमारे क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल इनटू जी मीडियम अपॉन जी है, जी क्या है ग्रेविटी, जी क्या है ग्रेविटी, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें, हमें पता है जी मीडियम की अगर वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा जी मीडियम इक्वल टू क्या होता है जी एयर 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे जी मीडियम की जगह करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जी एयर 1 माइनस सिग्मा इंटू रो, तो जी एयर से जी एयर क्या हो जाएगा कैंसिल, और एफ एयर अपॉन एफ मीडियम की वैल्यू हमें पता है क्या होती है एफ एल एन आर, अगर इसको एफ एयर को नीचे ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा एफ एल एन आर, सॉरी अगर हम यहाँ पर इसको एफ मीडियम को यहाँ ले आए तो हमारा एफ एल एन आर क्या हो जाएगा एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। तो या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लें या फिर डायरेक्टली इसको डिराइव कर लें, डिराइव किया तो क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डैश एफ एल एन आर 1 माइनस सिग्मा सिग्मा इंटू रो। इस पे एक क्वेश्चन आया था, अब इस पे एक क्वेश्चन आया था एआईईई ट्रिपल ई में क्वेश्चन आया था 2010 में, आप देख लेना, बिल्कुल ये बिल्कुल दावे से बता रहा हूँ, 2010 का क्वेश्चन था एआईईई में, क्वेश्चन लिखना अब इतना आसान नहीं, इफ द एंगल बिटवीन द बॉल्स इन एयर इज सेम टू दैट ऑफ लिक्विड, मतलब जो एंगल है एंगल बिटवीन बॉल इन एयर एंड मीडियम इज बोथ 30 डिग्री, इज बोथ 30 डिग्री एंड सिग्मा इज गिवन 0.8, डेंसिटी ऑफ मीडियम इज गिवन 0.8, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन 1.6, फाइंड एफ एल एन आर, फाइंड एफ एल एन आर। तो कई बच्चे को तो ये समझ ही में नहीं आएगा कि क्वेश्चन फ्लूइड का है, डेंसिटी का है, कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें क्या निकालना है एफ एल एन आर, तो हम लोग बस वही वैल्यू पुट करेंगे, ये है हमारा फॉर्मूला टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डैश इक्वल टू एफ एल एन आर 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। अब ये दोनों क्या है 30 डिग्री है, ये भी क्या है 30 डिग्री, अगर दोनों में एंगल अलग अलग होता तो कुछ बात भी होती थी, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.8 अपॉन 1.6, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2, तो हमारा एस एल एन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एस एल एन आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये सबसे कठिन क्वेश्चन है और ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट भी है, इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये आ गया तो ये 2 बार प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन हमारा नहीं अटकेगा। तो मान लीजिए ये हमारी 2 बॉल्स हैं, ठीक है, अब इन दोनों बॉल्स में क्या हो रहा है, हमें पता है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ ई अपॉन एम जी, जो कि क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, एफ ई की वैल्यू में पुट कर दी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि एक्स है, इनके बीच की डिस्टेंस एम जी हो गया, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हमने पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है सम प्यूपल है,
परपेंडिकुलर अपॉन, अगर ये एंगल हमारा क्या हो गया थीटा साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स बाई टू अपॉन एल, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एक्स बाई टू एल, और एक्स बाई टू एल की वैल्यू किससे इक्वेट कर देंगे हम लोग, एक्स बाई टू एल को किससे कर देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारा एक रिलेशन आया कि एक्स क्यूब इक्वल टू होता है टू के क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कुछ करना है तो ऐसे क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आपको एक आया है यहाँ से फिर आप भूल जाइए आई आई टी फाइव आई टी, फालतू का फॉर्म मत देखिए, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो समझ लीजिए सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो मतलब आपको आने ही चाहिए, स्कूल लेवल पे आने चाहिए, बड़े शहर में जो बच्चे कानपुर लखनऊ इलाहाबाद में पढ़े हैं उन्हें बेसिक लेवल पे तो क्वेश्चन आते ही हैं, तब वो जाकर के आई आई टी कर, अगर आपको ये समझ में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप वहां कुछ नहीं समझ पाएंगे बाहर अगर कोटा वगैरह जाए। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ये रिलेशन आपको रटा होना चाहिए तब आप आगे जा पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, हमें ईयर याद नहीं है, हम कमेंट बॉक्स में ईयर भी डाल देंगे इसका, ये 100% नीट का क्वेश्चन, जो अगर हमने 100% बोल दिया तो 100% है, बाकी का हमें थोड़ा सा डाउट है धुंधला धुंधला कि ये क्वेश्चन नीट में कौन सी ईयर में, लेकिन ये 100% आया हुआ है, आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन। इफ द चार्जेस लीक्स फ्रॉम बॉल एट कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट रेट का मतलब क्या, चार्ज लीक कर रहा है तो कॉन्स्टेंट रेट हो गए डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू सी, ये आपको पता होना चाहिए। चार्जेस लीक फ्रॉम द बॉल एट कॉन्स्टेंट रेट, बोथ बॉल मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों बॉल अगर चार्जेस लीक करेंगे तो दोनों बॉल क्या होंगे पास पास आएंगे, ये इस तरफ आएगा और ये क्या होगा इस तरफ आएगा। तो फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स डिस्प्लेसमेंट। देखा इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपको मोशन ये मोशन एंड मोशन दोनों वो हो गया, अब आपको कई बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा कि 11th का क्वेश्चन है कि 12th का क्वेश्चन है, चार्ज भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है और वेलोसिटी भी, तो अब आप कैसे करेंगे। तो देखिए अगर आपको ये आता है तो आपने डायरेक्ट लिखा एक्स क्यूब इक्वल टू टू के क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी, कोई चीज से अपन को कोई लेना देना नहीं, अपन को एक ही चीज से लेना देना है, वो क्या है कि एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है कि नहीं, एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे प्रोसीड करना, रिपीट हो जाएगा। अगर आप आईआईटी का पेपर नहीं दे रहे हैं तो अगर आप बीएसयू वगैरह यूपीटीयू और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो कराए जाते हैं कोचिंग से वो स्टैंडर्ड होते हैं, उन स्टैंडर्ड क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्वेश्चन हमारा घूमता है, और अगर आप यूपीटीयू बीएसयू वगैरह ऐसे एग्जाम में दे रहे हैं तो वहां का ये कठिन क्वेश्चन माना जाएगा जो कि रिपीटेड होगा आईआईटी वगैरह का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर थ्री बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू। अब यहां से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट चार्ज क्या है, अब ये कॉन्स्टेंट रेट की बात कब हो पाएगी जब हम लोग डी क्यू बाई डी टी कर दें, तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू, एक्स की पावर वन बाई टू, कई लोग बच्चे समझ नहीं पाएंगे ये क्या है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब आप कहोगे ये क्या है, तो आप चलो ठीक है इसको के ले लो, के ले लो वन ले लो कॉन्स्टेंट वन ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने ये कर दिया। अब डी क्यू बाई डी टी क्या है कॉन्स्टेंट, और अच्छा यहाँ पर डिफरेंशिएट पूरा नहीं हुआ यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारा ये एक्स की पावर थ्री बाई टू को विद रिस्पेक्ट टू टी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा थ्री बाई टू, कई बच्चों को तो ये कंसेप्ट चले हुए हुए, तो जिन लोगों को अगर ये भी बेसिक सी चीज समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए आप नहीं हो पाएगा आपसे, एक्स की पावर वन बाई टू और ये क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी, क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी, और जो ये डी एक्स बाई डी टी है हमारा यही तो वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू वी, तो हमारे ये हमारे क्या हो जाएगा टू सी बाई थ्री इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, टू सी बाई थ्री स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें तो हमारी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, अगर आप इसको यहां लेके आओ तो ये ऑप्शन में आपको रहेंगे चार ऑप्शन दिए रहेंगे, एक रहेगा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर वन बाई टू, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर थ्री बाई टू,
और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस वन बाई टू, ऐसे चार ऑप्शन आएंगे, तो हमारे ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसके अलावा सारे ऑप्शन हमारे गलत है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे।